हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सलोन बड़ी मुकेश, और आज हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वायरल हो चुका है और हेयर फॉल से रिलेट करता है और सभी लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ओरिजिनल क्या है, क्या उसके अंदर कॉपी है या फिर उसको मार्केट में इतनी कॉपी आ चुकी है, लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि भाई कौन सा असली और क्या नहीं है। बेसिकली अभी काफी यूट्यूबर्स ने भी ऐसी वीडियोज उसके लिए बनाई है। कोई यूट्यूबर बताता है कि ये वाला ठीक है, फिर दूसरा यूट्यूबर बताता है ये ठीक है, और तीसरा यूट्यूबर बताता है ये ठीक है। तो मैं आपको इस ऑयल का रिव्यू भी दूंगा और साथ ही साथ आपको लास्ट में एक ऐसा ऑयल बताऊंगा जो कि आप घर पे बना सकते हो और वो इतना ही इफेक्टिव है और इतना ही ज़्यादा आपके बालों में काम करेगा। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कितने तरह के हेयर फॉल को वो रोक सकता है और क्या नहीं, क्योंकि मैंने हेयर फॉल पे भी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि कितने प्रकार के हमारे हेयर फॉल होते हैं और कौन कौन से हेयर फॉल को क्योर किया जा सकता है और किसको नहीं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ये आदिवासी हेयर ऑयल जो कि 499 रुपीस में आता है। ये पहले दिखाया गया था कि उसमें हाफ हाफ लीटर के हैं, और जब 499 के जब ये पैसे आए मेरे पास तो ये तकरीबन 100 या 200 ml समथिंग है। ये है, हाँ, 125 ml का ये है और 125 ml का ये, यानी कि 250 ml पूरा आया 499 रुपीस में। तो मैंने जब ऑर्डर किया था तो मेरे को दिखाई दिया था उसमें नीलाम्बरी नाम से, और जब ये मेरे को डिलीवर हो गया तब मैंने इसको गौर किया तो उसमें लिखा था नीलगिरी आदिवासी हेयर ऑयल। तो मेरे को ये भी कन्फ्यूजन हुआ कि भाई अगर मैंने नीलाम्बरी भेजा था, उस बंदे से बात की थी तब उन्होंने नीलाम्बरी बोला और जब मेरे को डिलीवर हुआ तो नीलगिरी क्यों हुआ। तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया बेसिकली, और फिर मैंने ये देखा कि इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च मारा कि क्या है, कि नीलगिरी के भी मैंने काफ़ी रिव्यू देखे, उसके अच्छे रिव्यूज थे, नीलाम्बरी के देखे वो भी अच्छा था, और फिर जो आदिवासी हेयर 1299 में आ रहा वो भी अच्छा था। तीनों चीज़ें अच्छी हैं, तो तीनों में से असली कौन सा है और कितने लोगों को इसने फ़ायदा किया। बेसिकली मेरे को ये लगता है कि ये हेयर ऑयल सब एक ही हैं और इन्होंने जस्ट बेचने के पर्पज़ से इसको कुछ डिवाइड किया गया। मेरे ख्याल से सबका इन्ग्रीडियंट सेम ही होगा। और अब जो बात करने जा रहा हूँ, इसके इन्ग्रीडियंट की बात हुई है, तो इन्ग्रीडियंट इसके अंदर दिए गए हैं रोजमेरी हेयर ऑयल, जिंजर हेयर ऑयल, पाम हेयर ऑयल, और ये फार्मा ऑयल है, लाइट लिक्विड, पैराफिन और फ्रेगनेंस। बात करते हैं पहले, इसमें दिया है पहले रोजमेरी ऑयल। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि आपको हेयर फॉल के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल होता है रोजमेरी ऑयल, जो कि आपके पोर्स को और आपके जो डर्मल पपीला होता है उसको बूस्ट करता है, आपके बालों को नया प्रोड्यूस करने में, और साथ साथ हेयर बल को एक्टिवेट कर देता है दोबारा से बालों को उगाने के लिए। और दूसरा इसके अंदर है जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल बेसिकली यूज़ होता है एलोपेशिया के टाइम पे भी, और ऑलिव ऑयल, जैसे जिंजर ऑयल है वो आपका जैसे लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल आप करते हैं उसी तरीके से जिंजर ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। ये हेयर ग्रोथ के लिए ही काम आता है। और इसके अंदर है पाम ऑयल। पाम ऑयल जैसे कि गिरी का ऑयल मान सकते हैं आप, ताड़ के जो फल होते हैं, ताड़ का वृक्ष होता है उसका जो फल होता है उसका ऑयल जो होता है वो भी इफेक्टिव होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। तो दो तीन इंग्रेडिएंट तो इसके अंदर साफ आ रहे हैं कि हाँ भाई रोजमेरी ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए है, जिंजर ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए है, पाम ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए है। अब इसमें तीसरी बात आती है फार्मा ऑयल। फार्मा ऑयल वो ऑयल होता है जो API सर्टिफाइड होते हैं, यानी कि जो एक्टिवेटेड फार्माक्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कहा जाता है फार्मा ऑयल। जैसे कि आपका इसमें भृंगराज भी आता है, आपका उसमें ऑलिव ऑयल भी आता है, और उसके अंदर आपका नारियल का तेल भी आता है, जैसे इसी को कहते हैं API सर्टिफाइड या फिर फार्मा ऑयल। और आपका एक ऑयल होता है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन बेसिकली ये स्किन को और त्वचा को सॉफ्ट करता है, और ये साथ ही साथ आपकी ड्राई और जो इचीनेस जो होती है ना उसको कम करने में काम आता है, इसीलिए इसके अंदर ये लिक्विड पैराफिन डाला हुआ है, तो ये ठीक है आपका। और फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस जस्ट इसकी खुशबू डाली हुई है ताकि इसके अंदर जो खुशबू है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो बेसिकली ये ऑयल ठीक है, मैं काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया, तो अगर आपने इस्तेमाल किया तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के अंदर कमेंट में ज़रूर करना कि इसका क्या रिव्यू रहा, आपको क्या इफेक्ट डाला, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। बट मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, आप वो घर पे भी ऑयल बना सकते हो। आज मैं आपको एक और ऑयल बताऊंगा जो कि आपको इफेक्टिवनेस पे भी दिखाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे हेयर फॉल कितने तरह के होते हैं। हेयर फॉल हमारे देखिए तीन तरह के होते हैं, उसमें मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। हेयर फॉल हमारा पहला होता है जो कि हेडिट्री होता है, जो हमारे माता पिता या फिर मदर फादर के साइड से हमें मिलता है। दूसरा होता है सीजनल हेयर फॉल, जो कि बरसात, सर्दी, गर्मी के चेंज की वजह से हमारे हेयर फॉल का जो सर्कल है वो बढ़ जाता है। तीसरा होता है किसी मेडिसिन से साइड इफेक्ट, मेडिसिन से साइड इफेक्ट, और उसके अंदर स्ट्रेस भी आ जाता है कि वर्कलोड हमारा कैसा है।
अगर हम बात करते हैं हेडिट्री की, तो हेडिट्री कभी भी क्योर नहीं होता है। किसी भी टाइम के बाद में आपका हेयर फॉल चालू हो सकता है। अगर आपके दादा की तरफ या मम्मा की तरफ से या मम्मी या पापा की तरफ से किसी की तरफ से बाल गिरे हैं, तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है आपके जो हेडिट्री है वो उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। और दूसरा, अगर सीजनल है, अगर आपको सर्दी होने के बाद में अगर सर्दी से सीधे गर्मी आ रही है और गर्मी से सीधे बरसात आ रहा है, उस टाइम पे हेयर फॉल हो रहा है, तो वो हेयर फॉल आपका सीजनल हेयर फॉल कहलाता है। तो वो सीजन के चेंज होने के बाद में आपका हेयर फॉल रुक जाता है। आप उस समय पे कोई भी ऑयल भी लगा सकते हैं, चाहे कोल्ड प्रेस का सिर्फ नॉर्मल ऑयल लगा लो या मस्टर्ड ऑयल भी लगा लोगे, तभी भी वो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, 1-2 महीने के लिए। तीसरा हो गया मेडिसिन और आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस और मेडिसिन का सेम सिचुएशन है। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे आपका हेयर फॉल किसी हद तक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय पे आपको क्योर हो जाता है, अगर आप उस मेडिसिन को अगर आप थोड़े दिन बाद बंद करते हैं या एक टाइम के बाद में वो मेडिसिन बंद हो जाती है, तब तो आपका हेयर फॉल अपने आप ही बंद हो जाता है। तो उस समय पे आप कोई सा भी हेयर ऑयल लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, और आपको ऑयल अगर कुछ लगाना है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं आपको एक हेयर फॉल का एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल बता देता हूँ जो आपको लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, क्योंकि आप घर पे बना रहे हैं तो ये आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जबकि आपको किसी होटल में आप खाना पसंद करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको घर में बना खा लें, क्योंकि ये नहीं पता कि भाई साहब बाहर मार्केट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसने डाले हैं। आप आँख बंद करके लगा तो लेते हो, लेकिन बाद में आप बोलते हो यार मेरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे बना लो। और मैं किसी भी हेयर ऑयल के लिए बेकार में बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी मैं बुराई करना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक ऑयल का नुस्खा बता दे रहा हूँ जो आप घर पे बना सकते हो। आपको लेना है कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, उसके अंदर आपको डालना है मेथी दाना और उसके अंदर डालना है आपको कलौंजी। ये डाल के उसके अंदर आपको डालना है हल्का सा हिबिस्कस का फूल, अगर आपको मिल जाता है तो ये एक सीजन में ही मिलता है, जैसे बरसात से पहले उस हिबिस्कस का फूल उगता है, उस फूल को लेके उस समय पे आप बना सकते हैं, क्योंकि रेनिंग सीजन से पहले ही आपका बनता है और रेनिंग सीजन में आपका हेयरफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि बरसात के मौसम में मेरे बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मॉइस्चर हमारे स्कैल्प में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल, इसीलिए हमारा वो दिक्कत देता है। और हमारा जब बाल उलझते हैं तो टूटने भी ज़्यादा लगते हैं, स्वेट की वजह से काफ़ी हमारा ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है। तो उस टाइम पे आपको उस हिबिस्कस के फूल डालने हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा डालना है आपको पम्पकिन सीड ऑयल। जो पम्पकिन सीड का जो ऑयल होता है वो मिनोक्सिडिल को भी रिप्लेस कर सकता है, अगर आप उसको रॉ मटेरियल पे यूज़ करते हैं। उसको आपको ज़्यादा नहीं, जस्ट आपको 1-2-3 बूंद आप अच्छे से लगा के स्कैल्प पे मसाज करेंगे, तो पम्पकिन सीड ऑयल भी आपका हेयर फॉल अकेला ही रोक देता है। अगर आपको ये ऑयल भी नहीं बनाना, आप जस्ट पम्पकिन सीड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो नेचुरल मिनोक्सिडिल की तरह पाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, आप चाहें तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि पम्पकिन सीड के अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि उसके वजह से वो मिनोक्सिडिल को रिप्लेस कर सकता है। तो आपको जस्ट इन सब चीज़ों को मिलाना है। मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा कड़ी लीफ डाल देना। कड़ी लीफ डालने के बाद में उसको आपको बॉयल करना है, 102 बॉयल लाना है। उसके बाद में वो कलर चेंज हो जाएगा आपका, वो ऑयल थोड़ा ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश हो जाएगा। उस ऑयल को आपको शीशे के बर्तन में स्टोर करना है ठंडा होने पे। उस ऑयल को अगर आप लगाते हो तो लगभग वो ऑयल आपका 1 से 1.5 साल चल जाता है बिना ख़राब हुए, क्योंकि उसमें कोई भी आपको आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑयल एकदम नेचुरल होता है। आप उससे अपनी मसाज करें बालों में, और उसको आपको सर्कुलर, एंटी सर्कुलर और सर्कुलर मूवमेंट में आपको यूज़ करना है, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे करके आपको ऑयल को अच्छे से लगाना है। इससे क्या होगा, वो पोर्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको रात में यूज़ करना है, फिर मॉर्निंग में उसे यूज़ करके आपको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप एक नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं, उस शैम्पू की वीडियो भी मैंने इस चैनल पर बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। या फिर कोई और शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको जस्ट पानी के साथ में डाइल्यूट कर लें। डाइल्यूट करने के बाद में उसको अपने स्कैल्प में लगाएं, फिर आप उसका इस्तेमाल करें। तो इस ऑयल से भी आपका हेयर फॉल रुक सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा नहीं, बट आपको इसका दोनों का आपको फ़ायदा पता चलेगा, क्योंकि आपको कोई भी हेयर फॉल एक पर्टिकुलर चीज़ों पे होता है। अगर हेडिट्री है तो वो नहीं हील हो सकता, अगर वो किसी भी तरीके से मेडिसिन से है तो आपकी मेडिसिन जब स्टॉप हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम अपने आप ही आपके बाल को प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर के बाद में जब आपकी ट्रीटमेंट होती है, जो लास्ट में कीमो होता है, कीमो के होने के बाद में आपके बाल दोबारा होने लग जाते हैं, और जब तक आपकी मेडिसिन चलती है तब तक आपका हेयर फॉल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आईब्रोज के बाल उड़ जाते हैं, बियर्ड के बाल उड़ जाते हैं, स्कैल्प के बाल उड़ जाते हैं, आई लैसिस के बाल उड़ जाते हैं,
तो वैसे ही आपका कुछ समय बाद में जब आपकी बॉडी हील हो जाती है तो वो अपने आप ही बालों को प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। और अगर वो आपका सीजनल हेयर फॉल है तो वो बस कुछ समय के लिए होता है, तो उस टाइम पे आप कोई भी अच्छा सा ऑयल लीजिए, पम्पकिन सीड हेयर ऑयल लगा सकते हो आप, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हो आप, कैस्टर ऑयल लगा सकते हो, इन सब ऑयल को भी आप लगा के अपने बाल को क्योर कर सकते हो। और ये भी आपके काफ़ी अच्छे क्योंकि ये आपके हाथों के आगे ही आंखों के आगे है और ये आप अपने अपने आप घर पे बना रहे हो, तो इससे आपको ये भरोसा रहता है कि हाँ मैंने कुछ चीज़ अपने आप बनाई है, उसको मैंने बना के अप्लाई किया है। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को कोई मैं बैड रिव्यू नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने जस्ट आपको बताया कि आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे घर पर बना कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना। हमारी और भी वीडियोज है जो कि हमने केमिकल के ऊपर बनाई हुई है, कैरेटिन स्मूथनिंग के बारे में बनाई हुई है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और हमारे ऐसे इस चैनल को आप ऐसे प्यार दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बॉडी।